नमस्कार, मैं हूं देवांशली मोइत्रा। भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। आपको जानकारी होगी कि पिछले करीब एक हफ्ते से रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे, लेकिन बीते 24 घंटे में भारत में पहली बार 3000 से अधिक लोगों ने दम तोड़ा। एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों का हाल, जहां पर मरीज को जगह तक नहीं मिल रही और लोग अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में भारत में कुल 3,62,000 कोरोना के केसेस दर्ज किए गए, जबकि 3,285 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ भारत में कुल मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में कुल केस 3,62,902, जबकि पिछले 24 घंटे में 3,285 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 29,72,106। इसी बीच अब सरकार एक बार फिर लॉकडाउन के बारे में सोचने लगी और अब कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच देश के कई जिलों में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसके तहत उन शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने की सिफारिश की गई जहां कोरोना संक्रमण की दर 15% से अधिक है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई। जानकारी के मुताबिक ऐसे जिलों की संख्या देश में 150 के करीब हो सकती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार को हुई बैठक में ये प्रस्ताव आया है, लेकिन एक बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको देते चले कि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ बातचीत के बाद लिया जाएगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा। आपको जानकारी होगी कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया। इस बीच सरकार की माने तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर प्रतिदिन 8,922 टन हो गया, जिसके महीने के अंत तक प्रतिदिन 9,250 टन से अधिक हो जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इस जीवन रक्षक गैस के बढ़ते उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन क्यों लग रहा है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी।